नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि क्या भाजपा प्रत्याशी उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24x7 न्यूज में। आपको बता दें कि हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में पत्रकार वार्ता करते हुए लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट से सवाल पूछे हैं, जहां जोशी ने कहा कि अजय भट्ट के केंद्र में मंत्री रहते हुए आखिर कैसे अग्निवीर जैसी योजना युवाओं को बेरोजगार करने के लिए आई, इसका संसद में विरोध क्यों नहीं किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि गोद लिए हुए गांवों का क्या हुआ और सांसद निधि कहां खर्च की गई। वहीं उन्होंने रक्षा कॉरिडोर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड में क्यों नहीं आया और प्रदेश में एक भी नया केंद्र विद्यालय क्यों नहीं खोला गया। वहीं उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल पीपी मोड में क्यों डाले गए। और वहीं ऐसे तमाम प्रश्नों की झड़ी लगाते हुए प्रकाश जोशी ने कहा कि एकमात्र पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले चेहरे इस बार जनता की नज़रों में चढ़ गए हैं और इस बार जनता खुद छले जाने का बदला जरूर लेगी। देखिए पूरी खबर अंजलि पंत की UK 24x7 के लिए हल्द्वानी से। कई बार उन्होंने इस तरह के नारे दिए हैं, कभी चार वेस्ट बंगाल में बोला 200 बार आधे पे भी नहीं अटके, कर्नाटक में कहा 200 बार आधे पे नहीं अटके, सिर्फ नारा है अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे ही जनता के बीच जाते हैं तो जनता उनको दौड़ा रही है, कहीं जूते की माला डाल रही है, कहीं पीट रही है, कहीं कपड़े फाड़ रही है, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिरे इसलिए नारा है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज चल रहे हैं, तो उनको कैसे मनाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, नाराज कोई नहीं है, सबकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बाकी यूँ देखा जाएगा तो पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट है, एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ रहा है। निकलना है मोदी जी से भी मेरा सवाल है कि वो अपने कैंडिडेट का एक काम गिना दीजिए, कैंडिडेट के नाम से वोट ले लीजिए, कैंडिडेट का नाम नहीं लेना चाहते। और कैंडिडेट से भी सवाल है कि एक उपलब्धि बता दीजिए कि अपने नाम से वोट मांग रहे हैं। आप सोचिए, हमको बेटी की शादी करनी है ना, दूल्हे के गुण देखेंगे कि ससुर के? और यहाँ तो ससुर भी के भी गुण कुछ नहीं है और दूल्हे के भी कुछ नहीं है, ये स्थिति है। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज, खबर वही जो है सच सही।